अलैकुम क्लास, माय नेम इज़ मरियम मुस्तफ़ा। होप सो आप सब हैरियत से होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, इसे शेयर करो। अच्छा, आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं। प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस वो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऐसे यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास ग्राम है, ये यूनिट है, तो हमने यहाँ पे ऐसा यूनिट लगा के प्रीफिक्सेस हमने लगाना है। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल नंबर 1 इसमें जो पार्ट 1 है वो सॉल्व करते हैं। 5000 ग्राम, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स हमारे पास होते हैं किलो, मेगा, गीगा, फेंटो, पीको, ये सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। यहाँ पे हम प्रीफिक्सेस लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, हमारे पास 3 0 हैं तो हमने प्रीफिक्स यहाँ पे लगाना है 5। हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम 10^3 लिख सकते हैं। 5 × 10^3 ग्राम, यहाँ पे 10^3, यहाँ पे हमारे पास ये किलो के इक्वल होता है। 10^3 हमारे पास किलो के इक्वल होता है, तो किलो हमारे पास प्रीफिक्स है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 kg, क्योंकि हमारे पास ये किलो है जो प्रीफिक्स है। आगे हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास है 2000, यहाँ पे ये 000 है, मतलब 20 लाख हमारे पास है, ये हमारे पास 20 लाख वॉट है, तो हमने यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करने हैं। अब हमारे पास 60 हैं, हमारे पास 60 हैं, तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 × 10^6, 3 × 3 6, हमारे पास 60 है, तो हम क्रॉस 10^6। यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन भी यूज़ होती है। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्रॉस 10^6 लिखते हैं, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2 × 10^6, यहाँ पे वॉट है। 10^6 हमारे पास होता है मेगा के इक्वल, ये हमारे पास होता है मेगा के इक्वल, ये हमारे पास किलो के इक्वल है। 10^3, 10^6 हमारे पास मेगा के इक्वल है, मेगा हमारे पास प्रीफिक्स है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मेगावाट, 2 मेगावाट हम लिख सकते हैं। आगे हमारे पास पार्ट 3 है, 52 × 10^-3 kg, यहाँ पे हमारे पास के जी है, तो यहाँ पे के की जगह पे हम 10^3 लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 52 × 10^-10, के की जगह हम लिखेंगे 10^3 ग्राम। हमने 10^3 क्यों लिखा, क्योंकि ये के लिखा हुआ, इसलिए हमने 10^3 लिखा। तो आगे हम साइंटिफिक नोटेशन में हम चेंज करेंगे 52 को। जब हमारे पास हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होता है, तो हमने यहाँ पे शारिया लगाना होता है। जैसे हम यहाँ पे 5.2 लिखेंगे, आगे हमारे पास ये एक डिजिट है, 5 के बाद हमारे पास यहाँ पे शारिया के बाद एक डिजिट है, तो हम लिखेंगे क्रॉस 10^1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट है। जब हमने शारिया इधर लेके जाना हो, हमने यहाँ शारिया इधर लेके आए हैं, तो हमने 1 लिखना है, क्योंकि हमारे पास आगे एक डिजिट है। अगर हमारे पास ऐसे होता, एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास होता 0.001, तो हमने कैसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना था, हमने लिखना था ये जो 1 है, हमने यहाँ पे शारिया लगाना था फिर, क्योंकि हमारे पास ये एक डिजिट है, पीछे सारे 0 हैं, वो काउंट नहीं करते। यहाँ पे हमने 1 लिखना था, मल्टीप्लाई 10^-3। माइनस 3 कैसे आया, हमने शारिया हम इधर लेके गए हैं, शारिया इधर था पहले, शारिया पहले इधर था, हम शारिया को इधर लेके गए हैं। जब हम इधर लेके गए हैं तो माइनस हो जाएगा, जब हम शारिया को आगे लेके जाते हैं तो माइनस होता है, जब हम पीछे लेके जाते हैं तो प्लस में आता है। तो यहाँ पे हमने शारिया इधर लेके आए हैं, पीछे काउंट करेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, यहाँ पे तो शारिया आ गया, ये हमने पीछे वाला काउंट नहीं करना, हमने ये काउंट करना है। यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट हैं, इसलिए हमने लिखना है 10^-3। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। तो हमने यहाँ पे लिखा 5.2 × 10^1, वहाँ पे 1 मैंने आपको बता दिया कैसे आया। आगे हम लिखेंगे 10^-10 × 10^3 ग्राम, तो हमने कैसे इसे चेंज करना है, 5.2, यहाँ पे हमारे पास -10 है, +3, -10 + 3, यहाँ पे हमारे पास +1 है, +1, -10 + 4, यहाँ पे हमारे पास आ गया -6, तो हम लिखेंगे 5.2, ये हमने रफ में किया है, 5.2 × 10^-6 ग्राम।
अब हमने यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करना है। प्रीफिक्स हमारे पास यहाँ पे आएगा 10^-6, हमारे पास प्रीफिक्स होता है किसके इक्वल होता है, माइक्रो के। ये हमारे पास माइक्रो के इक्वल है। ये पीछे चैप्टर 1 में हमारे बुक के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स है उसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है प्रीफिक्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल है 5.2 माइक्रोग्राम। यहाँ माइक्रो की सिंबल ये होती है माइक्रो, ये हमने लिख दिया माइक्रोग्राम। आगे हम डी वाला स्टार्ट करेंगे। 225 × 10^-8 सेकेंड। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा, यहाँ हमने 225 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। हम कैसे करेंगे, 2 के बाद जो हमारे पास पहला डिजिट होता है उसके बाद हमें इशारिया लगाना होता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2.25 × 10^4। क्या आएगा, यहाँ पे हमने इशारिया लगाया उसके बाद कितने डिजिट हैं हमने वो काउंट करने हैं। तो हमारे पास उसके बाद 2 डिजिट हैं, तो हमने लिखा 10^2 × 10^-8 सेकेंड। तो आगे हम क्या करेंगे, 2.25 × 10^-8 + 2 क्या हो जाएगा, -6 सेकेंड। तो -10^-6 के बारे में हमने पहले बात की थी, माइक्रो की इक्वल है। तो हम लिख देंगे 2.25 माइक्रो सेकेंड। अच्छा बोल। हमारे पास मैलिकल नंबर 2 है, हाउ डू दी प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। वो कहते हैं कि माइक्रो नैनो और पिको आपस में कैसे, इनका रिलेशन कैसे होता है। तो हम बात करेंगे माइक्रो क्या होता है। 1 μ = 10^2 इसके पहले हम सैम्पल लिख लेते हैं, माइक्रो 10^-6 के इक्वल होता है, नैनो 10^-9 के इक्वल होता है, और 1 पिको हमारे पास होता है 10^-12 के इक्वल, 10^-12 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इसके, हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई हैं पीछे बुक में, तो हम ये याद कर लेंगे जबानी। माइक्रो होता है 10^-6, नैनो होता है 10^-9, और पिको होता है 10^-12। अब देखते हैं आपस में एक रिलेशन कैसे बनता है इनका। तो पहले हम रिलेशन करवाएंगे 1 μ का और नैनो का, फिर माइक्रो का और पिको का, फिर हम आपस में लिख लेंगे कैसे रिलेशन बनता है। अब माइक्रो का नैनो का करवाते हैं, माइक्रो का नैनो का। 1 μ = 10^-6। अब हमने देखना है नैनो और माइक्रो आपस में कैसे रिलेट करते हैं। पहले हम देखेंगे 10^-6 है, ये 10^-6 है, और ये 10^-9 है। अब हमें 9 बनाने के लिए हमें कितने ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा। देखिए हमें इसे 9 बनाने के लिए 3 को प्लस करना पड़ेगा। अगर प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये फिर माइनस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, हमारे पास मैथ का एक रूल है कि हम जब किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे डिवाइड भी करते हैं। हम यहाँ पे अगर 1000 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10^-6 है, ये 10^3 हो जाएगा, ये 10^3 हो जाएगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो 10^-3 होगा, तो ये अब नैनो बन जाएगा, -9 हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 1000 किया मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि हमें 30 चाहिए, हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 6 है और हमें 9 तक पहुँचने के लिए 3 को मल्टीप्लाई या डिवाइड वो करना चाहिए, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो क्या करेंगे, 10^3 / 10^3 × -6। अब क्या करेंगे, 10^3 ऐसे आ जाएगा, जो डिवाइड में 10^3 था वो जब ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास ये चीज़ डिवाइड में होती है, जब हम उसे ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास जो उसकी, हमारे पास एक्सपोनेंट होता है वो हमारे पास माइनस, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये माइनस होगा, -3 हो गया, तो 10^-6 ऐसे ही आ जाएगा। आगे अगर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, +3 - 3 कैंसिल हो जाए, लेकिन हमने किया ही क्यों है, 1000 को मल्टीप्लाई डिवाइड, हमें 9 बनाना है, इसलिए हम ऐसे नहीं कर सकते। हम 10^3 ऐसे लिखेंगे, -9 हो जाएगा, -3 - 6 - 9 हो जाएगा। तो हमें यही चाहिए था कि -9 बनाना था, हमने -9 हमने बना लिया। तो हमारे पास ये 10^3 हमारे पास एक्स्ट्रा है,
हम 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10^3 क्रॉस 10^-9, तो 10^-9 नैनो के इक्वल होता है, तो वन नैनो के इक्वल होता है, तो हम लिख देंगे 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10^3 नैनो। तो हमारा ये रिलेशन बन गया, माइक्रो 1 माइक्रो इक्वल होता है 10^-3 नैनो। तो हमारे पास ये माइक्रो का नैनो का रिलेशन बन गया। अब हम रिलेशन बनाएंगे माइक्रो का और पिको का। तो अब हम 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10^-6, अब हमने रिलेशन बनाना है पिको के साथ। पिको हमारे पास क्योंकि इक्वल होता है 10^-12 के, तो हमारे पास यहाँ पे हमें 6 डिजिट चाहिए, तब हमारे पास ये 12 बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे हमने क्या किया था, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ पे हम करेंगे फिर हमें 6, यहाँ पे 6 जीरो लगाएंगे, 1000000 बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और डिवाइड भी ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000000 हमने मल्टीप्लाई किया और 1000000 से हमने डिवाइड किया, क्रॉस 10^-6। अब हमारे पास ये 6 जीरो हैं, तो हमारे पास ये हमारे पास 6 हो सकता है, तो हम 12 बन जाएगा। क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं 10^-6 डिवाइडेड बाय 10^6 मल्टीप्लाई 10^-6। अब हम क्या करेंगे, 10^6 ऐसे लिख देंगे, ये 10^-6 हो जाएगा, क्योंकि हमने हमारे पास डिवाइड नहीं था, ऊपर लेके गए हैं, तो इसकी बेस चेंज हो गई है, माइनस हो गई है, तो 10^-6 ऐसे आ जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, 10^6 मल्टीप्लाई 10^-12, ये हमारे पास माइनस 12 हो गया, माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12 हो गया। तो अब 10^6 ये 10^-12 हमारे पास होता है पीको के इक्वल, पीको के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये बन गया 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10^6 पीको। पीछे हमारे पास हुआ था 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10^3 नैनो, और आगे हमारे पास हो गया 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10^6 पीको। तो हमारा ये रिलेशन हो गया माइक्रो का नैनो के साथ और माइक्रो का पीको के साथ। तो हमने यही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था कि ये आपस में कैसे रिलेशन का कैसे रिलेशन बनता है। तो हम लिख सकते हैं, पीछे हमारे पास था 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1 माइक्रो, ये हमारे पास 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1 माइक्रो। तो 1 माइक्रो हमारे पास पीछे क्या आया था, 10^3 नैनो, और आगे था 1 माइक्रो 10^3 नैनो और 10^6 पिको। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10^3 नैनो इज इक्वल टू 10^6 पिको, ये हमारे पास 1 माइक्रो की हमने एक ये वैल्यू लिखी है जो हमारे पास आया 10^3 नैनो, और एक हमने ये वैल्यू लिखी है 10^6 पिको। तो ये इक्वल होता है माइक्रो इसके। आगे हमारे पास मेडिकल नंबर 3 है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल जो अक्सर पेपर में आ जाता है। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। वो कहते हैं कि आपके जो बाल हैं वो बढ़ते हैं 1 मिलीमीटर पर डे, एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं, तो हमने फाइंड करना उनकी ग्रोथ रेट फाइंड करनी नैनोमीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रोथ रेट, हमारे पास पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा का भी एक नंबर होता है, गिवन डाटा हमारे पास ग्रोथ रेट दी हुई है हेयर्स की, वन मिलीमीटर। अब हम देखेंगे कि पर डे उन्होंने बोला है कि एक दिन में 1 मिलीमीटर उनकी ग्रोथ रेट है। तो अब हम देखेंगे एक दिन में कितने घंटे और कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं, वन डे एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो हमारे पास ये बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आ रहा है। जब हमारे पास कोई भी चीज़ बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ तक जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ तक जाएंगे तब हम डिवाइड करेंगे। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आर्स से सेकंड तक जा रहे हैं, मतलब बड़ी चीज़ आर्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं इसलिए हम सेकंड में जा रहे हैं। तो हाँ जी, छोटे से बड़े में जाने, बड़े से छोटे में जाने के लिए, बड़े से छोटे में जाने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई, और बड़े छोटे से बड़े में डिवाइड, छोटे से बड़े में हम करते हैं डिवाइड।
तो हमने यहाँ पे वही काम करना है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे आज से सेकेंड वन डे, वन मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास इक्वल होता है 86,400 सेकेंड, क्योंकि हम छोटे में आए हैं इसलिए हमें सेकेंड लिखना है यहाँ पे। तो हमारे पास एक दिन में ये होते हैं 86,400 सेकेंड होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वो क्या है एक दिन में फाइंड करो, हमने ग्रोथ रेट फाइंड करनी नैनोमीटर पर सेकेंड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड, हमें ये फाइंड करना है ग्रोथ रेट, इसमें से फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, उन्होंने बोला एक दिन में, अब हम देखेंगे 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है। हमारे पास यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो हम देखेंगे 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, यहाँ पे एक हम क्या करेंगे 1/1000, ये 1000 इधर मल्टीप्लाई रहते हैं यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 मिलीमीटर ऐसे रह जाएगा। ये देखें 1 मीटर था, ये 1000 मिलीमीटर है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे। हमने क्या किया, ये 1000 मल्टीप्लाई हो रहा था मिलीमीटर के साथ, यहाँ पे इधर आके हम डिवाइड कर देंगे मीटर, तो हमने ये फाइंड कर लेना है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो गिवन डाटा इसके अंदर ये लिखेंगे, गिवन डाटा के अंदर ये बाहर लिखेंगे 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 मिलीमीटर 1/1000 मीटर, तो 1/1000 1/10^3 मीटर। तो यहाँ पे डिवाइड में 10^3 था, तो जब ऊपर लेके जाएंगे 10^-3 हो जाएगा, 10^-3 मीटर। तो अब हम एक दिन में जब फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर था पर डे, 1 मिलीमीटर किसके इक्वल था 10^-3, 10^-3 मीटर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने पर डे में फाइंड करनी है, पर डे मतलब एक दिन में। तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे वन डे में कितने होते हैं सेकेंड, 86,400 सेकेंड, 86,400 सेकेंड। यहाँ पे हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/86,400 कैलकुलेटर यहाँ पे फाइंड करेंगे 1/86,400। तो हमारे पास ये बनता है 1.157 क्रॉस 10^-5। हमने यहाँ पे क्या 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 काम किया, हमने 10^-3 को ऐसे रहने दिया, हमने यहाँ पे ये लेट किया, यहाँ पे 1 है, तो 1/86,400 मैंने किया है, तो हमारे पास आंसर आया 1.157 क्रॉस 10^-5। तो हमारे पास ये आएगा क्रॉस 10^-3, ऐसे लिख देंगे। ये मीटर था, ये सेकेंड 1 में था, मतलब 1 आता है पॉजिटिव में, जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड, एम एस माइनस 1 बनेगा। तो 1.157 क्रॉस 10^5, ये -5 -3 -8 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने हमारे पास गिवन डाटा में ये दिया हुआ था, तो हमने जो फाइंड करना था नैनोमीटर पर सेकेंड में, हमने नैनोमीटर पर सेकेंड में फाइंड करना है, ये तो हमारे पास आ गया मीटर पर सेकेंड में। अब हमने एक काम करना है, नैनो में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, हमने साइंटिफिक नोटेशन का यहाँ पे सहारा लेना है, यहाँ पे ये पॉइंट है, जब हमने शारिया को आगे ले की तरफ लेके जाना है तो हमने माइनस में लिखना है, जब हमने शारिया को पीछे लेके जाना है तो हमने प्लस में लिखना है। अब हम शारिया को इधर लेके जाते हैं, जब हम एक डिजिट इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस 1 आएगा, तो हम माइनस 9 लिख सकते हैं। देखिए मैं शारिया को इधर लेके जा रही हूँ, मैंने क्या किया 11.57 लिखा, शारिया को मैं इधर लेके गई हूँ, जब मैं शारिया को इधर लेके गई हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट बनेगा दरमियान में, और ये शारिया दरमियान में हमारे पास एक डिजिट है, तो हम लिखेंगे क्रॉस 10^-1 माइनस 1, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जब हमने शारिया को इधर लेके जाना है तब हमने माइनस में आंसर लिखना है, तो मैंने यहाँ पे माइनस में लिखा है। यहाँ पे 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये शारिया और ये शारिया के दरमियान एक डिजिट है, तो हमने यहाँ पे माइनस 1 लिखा है क्रॉस 10^-8 मीटर पर सेकेंड।
यहाँ पे हमारे पास आ गया 11.57, 10^-9 हो जाएगा, -1 और -8 -9 हो जाएगा, तो -9 इक्वल होता है नैनो के। यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया कि ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड में फाइंड की, तो हमारे पास आया 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड।